वालाजा की जंग में अपनी शिकस्त के बाद सासानी सिपाही, जिनमें ज्यादातर अरब ईसाई थे, मैदान जंग से भागकर दरियाए खसीफ के पार उलैयस के मुकाम पर चले गए, जो वालाजा से तकरीबन 10 मील के फासले पर था। मुसलमानों को उलैयस के मुकाम पर दुश्मनों की मौजूदगी का इलम था, लेकिन दुश्मनों की तादाद कम थी और वो बमुश्किल वालाजा की जंग से बच कर निकले थे, इसलिए मुसलमानों ने इन्हें कभी भी अपने लिए फौजी खतरा नहीं समझा, जब तक कि वो दोबारा मुसलमानों के खिलाफ मुनज्जम होना शुरू नहीं हो गए थे। दूसरी तरफ शहनशाह फारस ने बहमन जाजविया को हुक्म भेजा कि वो उलैयस की तरफ आगे बढ़े और वहाँ अरब ईसाइयों के साथ मिलकर तमाम लश्कर की कमान संभाल ले और मुसलमानों की पेशकदमी को उलैयस में ही रोक ले। लेकिन बहमन ने अपने एक सालार जबान को शाही फौज देकर उलैयस की तरफ भेजा और खुद वो शहनशाह फारस से मिलने के लिए मदायन की तरफ चला गया और साथ ही जबान को ये हुक्म भी दिया कि जब तक मैं मदायन से वापस ना आ जाऊं, मुसलमानों से जंग करने से गुरेज करना। बहमन जब मदायन पहुंचा तो इसे पता चला कि शहनशाह बहुत बीमार है और इसे दरबारी तबीबों ने बादशाह से ना मिलने दिया तो वो मदायन में ही रुक गया। हजरत खालिद बिन वलीद को ये इत्तला मिली कि अरब ईसाई उलैयस में इकट्ठे हो रहे हैं और इनमें बुनियादी तौर पर बनी बकर के ईसाई अरब कबीले के लोग हैं, और साथ ही ये इत्तला भी मिली कि चंद दिनों तक इन ईसाई अरबों के साथ फारस की फौज भी आकर मिलने वाली है। इन हालात को देखते हुए हजरत खालिद बिन वलीद ने वालाजा से उलैयस की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। आपने पहले हजरत मुसन्ना बिन खारसा को एक घुड़सवार दस्ते के साथ आगे भेजा ताकि वो दुश्मन की नकलो हरकत से उन्हें आगाह कर सके। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने तेजी से उलैयस की तरफ पेशकदमी की, इससे पहले के सासानी फौज अरब ईसाइयों की फौज से आ मिले। लेकिन मुसलमानों से पहले ईरानी फौज उलैयस में पहुंचकर खैमाजन हो चुकी थी। जब हजरत खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ दुश्मन के सामने पहुंचे तो इस वक्त दुश्मन दोपहर का खाना खाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मुसलमानों की अचानक आमद और मुसलमानों को जंग की तरतीब में देखकर उन्होंने खाना छोड़कर अपनी सफ़ें सीधी करना शुरू कर दी। फारस की फौज और ईसाई अरबों के दस्ते जिस तरफ सफ़ें सीधी कर रहे थे, उनकी बाएं जानब दरियाए फुरात था और इनके दाएं तरफ दरियाए हसीफ था और इनके पीछे दरिया का संगम था। हजरत खालिद बिन वलीद ने जंग की तश्कील में अपने लश्कर को पहले ही इस तरह तरतीब दे रखा था। उन्होंने हजरत अदी बिन हातम रजी अल्लाह ताला अनहो को दाएं बाजू का कमांडर और हजरत आसम बिन अमर रजी अल्लाह ताला अनहो को बाएं बाजू का कमांडर मुकर्रर कर रखा था। जाबान ने मुसलमानों के पहुंचने से पहले बड़ी इज्जत से सासानी फौज का बंदोबस्त किया, ईसाई अरबों को अपनी फौज के बाजू बनाने के लिए मुकर्रर किया और कबायली सरदार अब्दुल असवद को दाएं बाजू की कमान दी और कबायली सरदार अबजर को बाएं बाजू की कमान दी और खुद वो कलब में रहा। जाबान ने अपनी फौज की तैयारी के लिए मजीद मोहलत हासिल करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि इस दौर के रवाज के मुताबिक ईसाइयों के सरदार अब्दुल असवद अजली को ज़ाती मुकाबले के लिए आगे कर दिया, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने आगे बढ़कर उसको कत्ल कर दिया। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को हमले का हुक्म दे दिया। फारस की फौज ने मुसलमानों का जमकर मुकाबला किया। फारसी ताज़ा दम थे और मुजाहिदीन थके हुए थे, लेकिन मुसलमानों को ये फ़ायदा हासिल था कि फारस की फौज अभी पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई थी। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि फारस की फौज ज़हनी तौर पर भी लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये फौज भूखी थी और इसे वो खाना छोड़ना पड़ा था जो उनके लिए ख़ास तौर पर पकवाया गया था। मुसलमानों को इस पहले हमले में खून की खासी कुर्बानी देना पड़ी। फारसियों ने तैयार ना होते हुए भी कई मुसलमानों को घायल कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद पीछे हटे और दूसरे दस्तों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया।
फारसियों को तादाद की इफरात का फायदा हासिल था। एक एक मुजाहिद का मुकाबला चार चार पांच पांच फारसियों से था। दुश्मन को इस फायदे से महरूम करने के लिए हजरत मुसन्ना बिन खारसा का घुड़सवार दस्ता उन पर उकब से हमले कर रहा था। इसी दौरान मैदान जंग में एक ऐलान सुनाई देना शुरू हो गया कि बहमन जाजविया मदाइन से एक नया फारसी लश्कर लेकर आ रहा है। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने ये ऐलान सुना तो उन्होंने अपने पहलुओं के सालारों को खबरदार किया और अपने महफूजा के दस्ते को भी ये कहा कि उकब से हमले का खतरा है, इसलिए मोहतात रहें। तकरीबन तमाम मौर्रखीन ने यह लिखा है कि बहमन जाजविया मदाइन से कोई लश्कर लेकर नहीं आ रहा था। किसी भी मौर्रख ने यह नहीं लिखा कि वो जाबान की मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचा। लेकिन जो ऐलान मैदान जंग में सुनाई दे रहा था वो सिर्फ एक अफवाह थी। वो सिर्फ सासानी और ईसाई अरबों के हौसले बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। बहरहाल इस ऐलान ने कि मदाइन से जाजविया नई फौज लेकर आ रहा है मुसलमानों में एक नई रूह फूंक डाली। हजरत खालिद बिन वलीद ने ऐलान किया कि मदाइन के लश्कर के पहुंचने से पहले पहले इस लश्कर का सफाया कर दो। लेकिन फारसी फौज और ईसाई चट्टानों की तरह डटे हुए थे। ये पहला मौका था कि हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े से उतरे और जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए और दुआ की कि इलाही हमें हिम्मत अता फरमा के हम इस लश्कर को नीचा दिखा सकें। मैं अहद करता हूं कि मैं तेरे दीन के दुश्मनों के खून का दरिया बहा दूंगा। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने नए जोशो खरोश से हमले शुरू करवा दिए। पहलुओं के दोनों सालारों ने दुश्मन को नीम दारे में लेना शुरू कर दिया और उकब से हजरत मुसन्ना बिन खारसा के सवारों ने अपने छापामार हमले जारी रखे। दो तीन घंटे के बाद साफ नजर आने लगा था कि दुश्मन के कदम उखड़ रहे हैं। चूंकि दुश्मन की तादाद ज्यादा थी इसलिए उसके मरने और जख्मी होने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। ये हालत देखकर आतशपरस्तों और ईसाइयों के वो फौजी जो पहली तीन जंगें लड़ चुके थे अपने हौसले हार बैठे और जाने बचाने के लिए मैदान जंग से खिसकने लगे। इन सिपाहियों के मैदान जंग से पीछे हटने की वजह से दूसरी फौज ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल देखकर मुसलमानों ने अपने हमलों में मजीद शिद्दत पैदा कर दी। फिर अचानक यूं हुआ कि ईसाई अरबों ने और सासानी फौज ने भागना शुरू कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने तमाम लश्कर में कासत दौड़ा दिए और बुलंद आवाज में ऐलान करवाया कि इन्हें भागने मत दो और इनको कत्ल भी मत करो, इनको जिंदा पकड़कर वापस ले आओ। इस ऐलान का कुफार पर यह असर हुआ कि उन्होंने भागने के बजाय हथियार डालना शुरू कर दिए और बाद ने खौफ ज़दा होकर भागना ही मुनासिब समझा। मुअर्रखीन ने लिखा है कि दुश्मन के जिन आदमियों को जिंदा पकड़ कर लाया जाता इन्हें हजरत खालिद बिन वलीद के हुक्म से दरियाए खसीफ के किनारे ले जाकर कत्ल कर दिया जाता। गैर मुस्लिम मुअर्रखों और मुबस्सरों ने हजरत खालिद बिन वलीद के इस हुक्म को जालमाना फेल कहा है। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद कहते थे कि उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि वो कुफार के खून का दरिया बहा देंगे। बाद मुअर्रखीन ने लिखा है कि हजरत खालिद बिन वलीद ने बच निकलने वालों और हथियार डालने वालों का कत्ले आम इसलिए करवाया था कि ये सिपाही एक जंग से भागकर अगली जंग में फिर सामने आ जाते थे। इसका इलाज हजरत खालिद बिन वलीद ने यह सोचा कि दुश्मन के किसी एक भी सिपाही को जिंदा ना रहने दिया जाए। मुअर्रखीन ने लिखा है कि तीन दिन तक आतशपरस्तों और ईसाइयों का कत्ले आम किया जाता रहा। इस तरह इस जंग में कत्ल होने वाले सासानियों और ईसाइयों की तादाद 70,000 के करीब पहुंच गई। इसलिए इस जंग को खून के दरिया की जंग के नाम से भी याद किया जाता है।